ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो मरे हुए जानवर, इंसान, लेदर, प्लास्टिक, वो हर एक चीज खाता था जो उसकी भूख मिटा सकती थी, पर उसकी भूख कभी भी नहीं मिटी। जिसका पेट चार लोगों के जितना बड़ा था और जबड़ा इतना बड़ा कि एक फीट वाले डायमीटर के सिलेंडर को भी निगल ले। आखिर कौन था ये इंसान? क्या उसे कोई बीमारी थी या फिर उसकी कोई मजबूरी थी? बात है 18 सेंचुरी की। 1772 में लियोन, फ्रांस में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम टरारे रखा गया था। बचपन से ही टरारे अपने दूसरे भाई और बहनों से अलग था और अजीब और बहुत ही ज्यादा खाता था। इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसके खाना खाने को देखकर हैरान हो जाते थे। जैसे जैसे टरारे बड़ा हो रहा था, उसकी भूख और भी बढ़ती गई। इसी वजह से उसके पेरेंट्स और उसके दूसरे भाई लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खा पाते थे। जब वो 14-15 साल का हुआ, वो अकेले ही 15 लोगों का खाना खा जाया करता था और इसी वजह से उसका वजन भी बढ़ रहा था। उसके पेरेंट्स उसके खाना खाने को लेकर परेशान हुआ करते थे क्योंकि वो उसका पेट कभी भी नहीं भर पाते थे। टरारे अब मजबूरन बाहर खेतों में जाकर खाना खाने लगा, जैसे सड़े हुए फल, सब्जियां, और वो हर एक चीज खा रहा था जो वो खा सकता था। और इसी हरकत को देखकर उसके पेरेंट्स उससे परेशान और गुस्सा होकर उसे घर से निकाल देते हैं। टरारे अब मजबूर था, वो अब डस्टबिन से भी चीजों को उठाकर खाने लगा, यहाँ तक कि वो जिंदा और मरे हुए जानवरों को भी खाने लगा, जिनमें से ज्यादातर कुत्ते और बिल्लियां हुआ करते थे। पर फिर उसकी लाइफ में यू टर्न आता है। दरअसल चोरों की एक गैंग को टरारे के बारे में पता चलता है और उन्होंने टरारे को एक अजीब से काम पे लगा दिया। टरारे अब स्ट्रीट में लोगों को परफॉर्म करके दिखाता था, वो लोगों को अजीब अजीब चीजें खाकर दिखाता था और वो चोर लोग लोगों की जेब काटते थे। अब टरारे को कुछ पैसे भी मिल जा रहे थे और उसका पेट भी भर जा रहा था। टरारे अब कुत्ते, बिल्लियां, सांप, हर एक चीज खाकर लोगों को दिखाता था, जिसकी वजह से वो पूरे फ्रांस में फेमस भी हो गया था। पर 1788 में एक दिन टरारे परफॉर्म करते हुए बेहोश हो जाता है और लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते, पर टरारे की भूख अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसने एक डॉक्टर का चेन और घड़ी भी खा ली थी। और सारे डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए थे कि कैसे ये इंसान ऐसी चीजों को खा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि टरारे ने बाकी पेशेंट्स के ब्लड और मांस को भी खाया था और उसके ऊपर 2 महीने के बच्चे को खाने का इल्जाम भी लगा था। 1792 में फ्रेंच रिवोल्यूशनरी आर्मी में उसे जासूस का काम मिलता है। पर टरारे अब और भी चीजों को खाने लगा था, जैसे लेदर और प्लास्टिक, जिसकी वजह से उसके शरीर से बदबू आने लगी थी और दूसरे आर्मी के लोग उसके आसपास भी नहीं जाना चाहते थे। उसकी इसी हरकत की वजह से उसे 2 साल बाद आर्मी से भी निकाल दिया गया और 24 साल की उम्र में टरारे बीमार होने लगा। उसका इलाज भी चल रहा था, पर 1798 में 26 साल की उम्र में टरारे की डेथ हो गई और उसके मरने के 7 साल बाद ये पता चलता है कि उसे पॉलीफेगिया नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।